फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी नेक डिज़ाइन है और इसको हमें इसी शेप में, देखिए इसकी शेप कुछ अलग है, तो इसी शेप में हमें इसको कटिंग करना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर बनाते हैं और एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें सेंटर है और इसी का हमें सेंटर बनाना है इस तरीके से। अब देखिए इसको हमने सीधी साइड से इस तरह फोल्ड किया है और इस साइड भी हमारी पूरी दोनों मिला हुआ है और इस साइड से भी हमारा पूरा ये सेंटर बना हुआ है। अब सबसे पहले एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में करते हुए यहाँ पर एक लाइन करेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए ये लाइन हमने इसके ऊपर एक सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर है इसका और इसमें हमने यहाँ तक ये सेंटर बनाकर इसका एक लाइन हमने ड्रॉ की है। अब देखिए ये कितना बड़ा पीस हमें चाहिए जो कि इसके चारों तरफ यहाँ तक आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसको लगाना है। तो ये देखिए इस तरह का। अब इसमें भी हम मिलाकर एक सेंटर का निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए इसमें भी हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब देखिए जो इसमें ये सेंटर का निशान लगाना है हमने, तो इसको पूरा इसके साथ मिलाकर रखेंगे और एक कच्ची सिलाई, सबसे पहले हम इसको सीधी तरफ हमें रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम और पिन लगा देंगे चारों तरफ। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर पिन लगाएंगे ये इस तरीके से। अब देखिए चारों तरफ हमने पिन लगा दी है। आप चाहें तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, तो इसको सिलाई को हमें इस तरफ से सीधी तरफ से हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सेंटर में सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तो सेंटर में हमें एक सिलाई लगाएंगे, तो मोटी बखिया हमें ये लगानी है। तो बिल्कुल यहाँ पर लाकर हमें अपनी सिलाई को रोकना है जहाँ पर इसकी एम्ब्रॉयडरी शुरू हो रही है, और ये बिल्कुल सेंटर है इसका। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली। अब कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में हमारा कपड़ा रहेगा ये। और पिन भी हमने लगा दी है, तो आप पिन भी लगा सकते हैं और सिलाई भी, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से इस तरह करेंगे और यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर इतनी इतनी सिलाई लगाएंगे, थोड़ा इस जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उससे थोड़ा इतनी आगे करके, क्योंकि इसमें हमें कट लगाने होते हैं बाद में। तो कट लगाएंगे तो हमारी कढ़ाई जो है, जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो कटिंग हो, कम हमें जो मशीन का एक पैर होता है उससे थोड़ी दूर लेकर हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पर जिस भी शेप में हमारा गला है, जो भी शेप दे रखी है उसी के अनुसार हम इसको सुई को अंदर करके घुमाएंगे और उसी शेप में लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो हमने पिन लगाई है वो हम निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए इधर उल्टी साइड से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए सीधी साइड हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा गला जो है सीधी तरफ से कवर है, और इस साइड से हम इसको इतना जितनी हमने सिलाई लगाई उसे थोड़ा आगे की तरफ करते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए इस तरह हमने चारों तरफ से इसकी कपड़े की कटिंग कर दी है और छोटे छोटे अब हम कट इस पर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए तो सभी तरफ हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, और अब हम सीधी तरफ इस तरह जाएंगे और जो हमारा कपड़ा है जो हमने इसके ऊपर लगाया उसको हम इस तरह उल्टी साइड हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इस तरह फोल्ड करेंगे हम इसको अंदर की तरफ, और एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगाएंगे सबसे पहले। अंदर करते जाएंगे कपड़े को और कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाते जाएंगे। और जो कट है उसको हम इस तरीके से कर देंगे ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो बिल्कुल अच्छे से हमारा क्लियर दिखे। अब देखिए इस तरीके से हमारा गला बन चुका है, और जो एक सिलाई है हम यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाएंगे ताकि हमारे कोने अच्छे से दबे रहें।
सुई को अंदर करके हमें डिजाइन के अनुसार इसको घुमाना है बिल्कुल इसी शेप में। और ये देखिए गला हमारा बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें उल्टी साइड से इस तरह करना है। और जो ये कपड़ा है हमने इसको इसमें लगाया है, तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। और जो ये कच्ची सिलाई एक हमने लगाई थी बीचों बीच, तो इसको भी हम बाद में खोल देंगे जब हम तुरपाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते हुए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं ताकि आराम से तुरपाई इसको इसके साथ बिल्कुल अटैच करके नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ ऊपर के कपड़े में हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस साइड स्टोन है तो सुई टूटने का डर रहता है। तो आप अगर जो स्टोन ना होते तो आप इसी के साथ एक कच्ची सिलाई आप लगा देते, लेकिन हम सिर्फ ऊपर के जो हमने कपड़ा लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखाएँगे। तो आप इस साइड इसको करिए और यहाँ पर सिलाई लगाइए इस तरीके से। अंदर करते जाइए। देखिए इस तरीके से, और बाद में इस पर आप तुरपाई कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है गला। बिल्कुल डिजाइन के अनुसार हमने इसको कटिंग किया और स्टिचिंग करना आपको बताया है। कोई भी आप इस तरह वर्क वाला गला हो तो आप उसको इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। आप इसी तरीके से जैसे हमने सिर्फ कपड़े लगाया है, आप बुकरम के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। सिर्फ हमने कपड़े के ऊपर ही बताया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।